kesembuhan untuk anak Tokoh. अभी आप लोग देखेंगे कुछ ही दौर में इंशाल्लाह एक सरों का सैलाब नजर आएगा, इस रास्ते में सिर्फ सही सर नजर आएंगे, एक एक जगह से अल्हम्दुलिल्लाह, एक एक इलाके से, एक एक जिले से, बस्ती से, 10-10, 20-20, 50-50 हजार के तादाद में लोग आ रहे हैं इंशाल्लाह। ये सिर्फ बंगाल का नहीं, ये हमारी खुशनसीबी है, ये हिंदुस्तान का महाजन सभा होगा इंशाल्लाह। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान का आदर्श करते हुए हम लोगों को अपनी तैयारी चलानी है। अभी किसी चिराग होटल के बीच में आपके दरमियान कुछ ही मिनटों में बाबा भीमराव अम्बेडकर के बेटे रत्न अम्बेडकर भी मौजूद होंगे। ये हम लोगों की खुशनसीबी है कि आज एक तरफ हमारे साथ अगर भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने संविधान लिखा उनके पोते मौजूद होंगे, तो दूसरी तरफ हमारे साथ इस देश को बचाने वाले, इस देश को आजाद करने वाले हमारे बापू महात्मा गांधी के पोते भी मौजूद होंगे। हम लोगों को पैसे बिठाकर उनका इस्तेमाल करना है और आप जिस तरह देख रहे हैं कि इस तहरीक में भी हर धर्म के लोग शामिल हैं, ये तहरीक, ये लड़ाई हम लोगों को हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तमाम भाइयों को मिलकर लड़नी है और जमहूरी तरीके से हम लोगों को लड़नी है, गांधी जी के तरीके से। लिहाजा अगर आप लोग देखेंगे, आप सबकी जिम्मेदारी है, आपके बीच में कोई भी अगर एंटी सोशल आदमी दाखिल हो या कोई भी ऐसा आदमी जो देश के खिलाफ कोई नारा लगाए, हो सकता है हमारे बीच में कुर्ता पजामा पहनाकर किसी को दाखिल कर दिया जाए, हम उसको पहचान ना सके, और अगर आप लोग देखें अपने अगर बगल में कोई भी देश विरोधी नारा लगाए या कुछ भी इस तरह की बात हो, हम लोगों का उससे कोई ताल्लुक नहीं है और ऐसे आदमी को आप सबों की जिम्मेदारी है, यहाँ कोई वॉलंटियर वगैरह नहीं, आप सबों की ये तहरीक है, हम सबों की तहरीक है और हमें इस तहरीक को कामयाब बनाना है ताकि पूरे हिंदुस्तान को पता चले कि हिंदुस्तान वही सोचता है जो बंगाल सोचती है। लिहाजा अभी यहाँ पर हम लोग संविधान बचाने के लिए जमा हुए हैं। हम लोगों को बताना है कि हमारे देश का मुसलमान जितना कुरान से मोहब्बत करता है उतना ही अपने संविधान से मोहब्बत करता है। आज आप देख रहे हैं हमारी स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ की पूरी पुलिस सिस्टम आज हम लोगों की सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर मौजूद है। आप लोग एक चीज समझ लें कि हमारा स्टेट गवर्नमेंट से कोई लड़ाई नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ लोगों के खिलाफ तहरीक चलाई है। ये तहरीक कोई पॉलिटिकल तहरीक नहीं है, यहाँ कुछ भी तरह की कोई सियासी बात नहीं लगी। एक चीज आप लोग समझ लें कि हो सकता है चूंकि आज की यह तहरीक इंशाअल्लाह हिंदुस्तान की एक तारीखी तहरीक होने वाली है, लिहाजा फिर थोड़े कलकत्ते से संविधान। देखिए हमारे बीच हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट